नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने के आरोपियों पर कार्रवाई, 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले के 4 आरोपियों को 11 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मणिपुर पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि यह घटना 4 मई की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से संसद से दोस्तों सड़क तक हंगामा हो रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में तीखी दोस्तों प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी से कड़ी दोस्तों चेतावनी दी है। मणिपुर में जारी प्रदर्शन के बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। ये घटना राज्य की राजधानी इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले के गांव बी फोनोम की है। ग्राम प्रधान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक 4 मई को शाम लगभग 3 बजे 900 से लेकर 1000 की संख्या में कई संगठनों से जुड़े हथियारबंद लोग बी फेनोम गांव में जबरदस्ती घुस गए थे। वहीं दोस्तों प्रदर्शन भीड़ ने पहले सभी घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। बाद में इसी भीड़ द्वारा यहां की 3 महिलाओं को उनके कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया और भीड़ के सामने निर्वस्त्र कर दिया गया। हैवानियत यहीं सीमित नहीं रही। एक 21 साल की लड़की का दिन दहाड़े बेरेमे से सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान बहन को बचाने आए 19 वर्षीय छोटे भाई की मौके पर ही हत्या कर दी थी। हालांकि पीड़िता कुछ लोगों की मदद से मौके से भागने में सफल रही। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को 11 दिन पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में हाहाकार मच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त चेतावनी दी है। बहुत ही विभीष दोस्तों ये वीडियो है, हम आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकते, इतना भयानक ये वीडियो है। लेकिन पूरे देश में हंगामा हो रहा है। फिलहाल दोस्तों आरोपी पुलिस रिमांड पर है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।